मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी। बीरबल, सभी ने नाम सुना होगा बीरबल। इंपॉर्टेंट चीज, जब आप डिसीजन लेते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। सो दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। बीरबल, सभी ने नाम सुना होगा बीरबल का। तो बीरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास। अकबर ने बड़ा सुन रखा था उनके बारे में कि बहुत टैलेंटेड आदमी और बहुत स्मार्ट आदमी। तो अकबर ने महेश दास को अपने दरबार में बुलाया। एंड देन ही सेड टू हिज कोर्टियर्स, उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि आई वॉन्ट दिस मैन टू बी द पार्ट ऑफ द कोर्ट। मैं चाहता हूं कि ये आदमी दरबार का हिस्सा बने। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड है, ऐसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, उसमें एक लॉ था कि ओनली द पीपल फ्रॉम द रॉयल बैकग्राउंड, रॉयल, सिर्फ वो सारे लोग जो राजा के खानदान से हैं, शाही, बस वही दरबार में बैठेंगे। तो व्हेन अकबर सेड कि आई वांट बीरबल टू बी इन द कोर्ट, द कोर्टियर्स इमीडिएटली स्टूड अप। मुल्ला तो प्याजा इमीडिएटली गॉट अप। अरे, उसने कहा, नहीं सरकार, आप कानून नहीं तोड़ सकते। दरबार में सिर्फ और सिर्फ शाही लोग बैठेंगे। अकबर ने कहा कि कोई रास्ता निकालिए। तो मुल्ला तो प्याजा ने कहा कि सर, रास्ता तो निकल जाएगा, पर शर्त है कि अगर महेश दास उस रास्ते पे चल नहीं पाए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद। अकबर टर्न टुवर्ड्स बीरबल कि शर्त मंजूर है? हाँ, बीरबल ने कहा सर मंजूर है, सर एकदम मंजूर है। अब हर कहानी का एक मैसेज होता है, सिर्फ कहानी मत सुनिएगा। इसलिए जितने भी धर्म हैं, इन एवरी रिलीजन देर आर स्टोरीज, बिकॉज व्हाट इज अ स्टोरी? मैसेज। स्टोरीज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एंटरटेनमेंट एंड मैसेज। तो जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, इसलिए स्टोरी इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ टीचिंग। हम बच्चों को तो किताब दे नहीं सकते, तो हम उन्हें कहानियां सुनाते हैं। तो कहानियां सुनकर उन्हें मजा भी आता है, और जो समझदार बच्चा है वो उसका मैसेज भी ले लेगा। एवरी स्टोरी हैज टू थिंग्स, फर्स्ट थिंग इज एंटरटेनमेंट, सेकेंड थिंग इज मैसेज। अब देखिए, बीरबल रिस्क ले रहा है। सी द सेकेंड पार्ट, हम रिस्क नहीं लेना चाहते।98% पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, बट दे वॉन्ट टू राइज, विच इज इम्पॉसिबल। अगर आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एवलॉन्चेस, बर्फीले तूफान, हो सकता है आप लौट के ना आए, खत्म। आप कह रहे साहब हमें रिस्क नहीं लेना, तो आप अरावली पे चढ़ जाइए, 10 मिनट में ऊपर, 15 मिनट में नीचे। Whenever you want to rise, whenever, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत यह है कि यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क। और अगर आप हारे तो सजा मिलेगी। आप कहते साहब मुझे खतरा नहीं लेना, साहब स्ट्रेस नहीं लेना, आई डोंट वॉन्ट टू टेक स्ट्रेस। सर, अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको भी नहीं लेना, बोले मैं तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब धौले साहब 26/11 में महाराष्ट्र मुंबई में थे, आप समझ सकते हैं इनकी मेंटल स्थिति। लोग भाग रहे हैं, किलिंग हो रही है, पर ये नहीं भाग सकते थे। ही वॉज एन ऑफिसर, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट एरिया। इनका ड्राइवर भाग सकता था कि साहब हम जा रहे हैं, साहब आप देख लो। जितने लोगों को तनाव नहीं चाहिए, चुनौतियां, और जहां चैलेंज है वहां तनाव है। मेरे एक साहब ने मुझसे आकर कहा, सर मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा तो ठीक है, अच्छी है, मत ले, चपरासी बन जा। चपरासी कोई स्ट्रेस नहीं, डीएम का चपरासी बाहर बैठा हुआ, कैप अब लगा के चंदन में लगाया,
Anyone who comes to meet DM will entertain him. जो भी मिलने के साहब से आएगा 500 रुपए दे देगा कि देखो साहब क्या कर रहे हैं. He will go inside, do some work and come outside. कि साहब तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रहे हैं. और अगर 10 लोग डीएम साहब से मिलने आए तो 5000 रुपए पर डे चपरासी, 1,50,000 पर मंथ, 1,50,000 और 30,000 सैलरी, 1,80,000. सर कोई स्ट्रेस ही नहीं सर. पहली इंपॉर्टेंट चीज जब आप डिसीजन लेते हैं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क. और जब आप हारेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना. हम हारने से नहीं डरते, हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा कि बड़े ताव से गए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ. हारने का दुख नहीं है, हंसने का. पर आप जितने भी महान प्रॉफिट्स, जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, मैं इस रूम में पिछली बार आया, मैंने इतने सारे लोगों को देखा, आई वॉज सो मच चार्ज्ड. और इन सब लोगों में जितने भी लोग हैं, इफ आप इनकी बैक हिस्ट्री देखें, इनकी पूरी लाइफ चैलेंज, ज्योतिबा फूले फ्रॉम पूना ओनली, द पायनियर ऑफ एजुकेशन फॉर लोअर क्लास एंड वुमेन. रिस्क तो लेना ही है आपको. और जब आप गिरेंगे, मैंने कहा लोग हंसेंगे, दैट इज देयर बर्थ राइट. और जब आप जीतेंगे, वही जो लोग हंस रहे थे वो माला लेके पहुंच जाएंगे रोते हुए. आपने कहा कि रो रहे हो, बोले हां खुशी के आंसू है. आंसू वो भी खुशी के. तो बीरबल ने पहला काम किया, रिस्क लिया. कहा सर मंजूर है, उम्र कैद मंजूर है सर, आई एम रेडी टू बी टू फेस लाइफ इंप्रिजनमेंट. अगर आपने वो मूवी देखी होगी जोधा अकबर, तो दिस सीन इज प्रेजेंट इन दैट मूवी. तो मुल्ला तो प्याजा सेज टू अकबर की सर आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू हिम, मुझे क्वेश्चन पूछना है सर. हाँ बीरबल ने कहा सर बिल्कुल आप पूछे. तो मुल्ला देव पाजा ने कहा कि बीरबल ये बताओ महेश कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है. अब मैं आपसे पूछूंगी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या आप मुझसे पूछे कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो ये मैं कैसे बता सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है. पर मौलाना आस्ट कि बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. एंड देन बीरबल सेज कि सर मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है. आप सोच रहे हैं कि अकबर अमर हो जाए, आप सोच रहे हैं कि अकबर कयामत तक शासन करें, आप सोच रहे हैं कि अकबर की 10,000 बीवियां हो. अकबर टर्न टूवर्ड्स मुल्ला तो प्याजा कि सही कह रहा है. मुल्ला स्टार्टेड लाफिंग कि सर एकदम सही कह रहा है सर, यही सोच रहा था मैं सर. दिस इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग. जितने बड़े गेम है ना जिंदगी में, जितने भी डिसीजन, डिसीजन इज फॉलोड बाय रिस्क. एलिजिबिलिटी सब द पीपल हु आर सिटिंग हियर दे ऑल आर एलिजिबल, पॉसिबली ऑल दोज हु हैव कम फॉर द सेमिनार, पॉसिबली दे ऑल आर एलिजिबल. डिफरेंस कहां है? रिक्वायरमेंट. एजुकेशन सबके पास है, डिफरेंस कहां है? नॉलेज.